दोस्तों, जैसा कि आप जान रहे हैं कि आजकल जो हमारा विश्वविद्यालय है वो ऑनलाइन परीक्षाएं करा रहा है, और इसको लेकर के कई सारी खबरें जो हैं वो पेपर्स में और बाकी चीज़ों में निकला करती हैं कि इतने बच्चे नकल करते हुए UFM में पकड़े गए और बाकी बहुत सारी निगेटिव बातें ही निकला करती हैं। उसी को लेकर के आज यूनिवर्सिटी ने अपनी दूसरी लिस्ट जारी की है UFM को लेकर के। उसको ध्यान रखिएगा, जैसा मैंने आपको बताने की कोशिश की है, यहाँ पर ये जो सर्कुलर आप देख रहे हैं वो 6 सितंबर का है, यानी ये कल का ही सर्कुलर है। इसमें इन्होंने साफ साफ लिखा है कि जो इसका एक जो विषय है वो यही है कि सत्र 2020-21 के सम सेमेस्टर की आयोजित हो रही ऑनलाइन परीक्षाओं में कतिपय छात्र छात्राओं द्वारा नकल कराए जाने एवं किए जाने के प्रयास के संबंध में, यानी ये स्पेशली उन लोगों को बताया गया है जो लोग या तो नकल कर रहे हैं या नकल करवा रहे हैं, दोनों लोगों के लिए ध्यान रखिएगा। आगे इसमें सर्कुलर में साफ साफ लिखा हुआ है कि महोदय, कृपया उपयुक्त विषय विश्वविद्यालय के पत्रांग संख्या दिस में ऐसा पाया गया है, संज्ञान में आया है कि कुछ छात्र छात्राएं या छात्र छात्राओं द्वारा व्हाट्सएप एंड टेलीग्राम ग्रुप बनाकर, उसमें जैसा मैंने बताया आपको कि न्यूज़पेपर में भी खबरें आ रही हैं आजकल कि जो छात्र हैं वो एक अपना प्राइवेट व्हाट्सएप या फिर टेलीग्राम ग्रुप बना करके जब पेपर होता है उस समय उस ग्रुप में चैटिंग करके किस तरह से वो आंसर पाने की कोशिश करते हैं। तो उसी संबंध में ये बताया गया है कि ग्रुप बनाकर विश्वविद्यालय द्वारा आयोजित हो रही ऑनलाइन परीक्षाओं में नकल कराए जाने का प्रयास किया जा रहा है, जिसकी द्वितीय सूची संलग्न कर प्रेषित है। दोस्तों, इस सर्कुलर के नीचे एक दूसरी एक लिस्ट है बेसिकली, जिसमें बहुत सारे स्टूडेंट्स का नाम है और बहुत सारे कॉलेज का भी नाम है, जिसमें बहुत नामी गिरामी कॉलेजेस भी हैं। यहाँ पर कॉलेज का नाम या किसी छात्र को इंडिविजुअल हाईलाइट करने का मेरा मकसद नहीं है, इसलिए मैंने उनके नाम को या कॉलेज को मैंने यहाँ पर हाईलाइट नहीं किया है, लेकिन आप लोगों को बताने का मकसद मेरा ये है कि दोस्तों नकल का ज़्यादा छोड़ दें। मुझे समझ नहीं आ रहा है कि इतना ज़्यादा चीटिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से आप लोग क्यों इतना उत्साहित हैं कि नकल ही करके एग्ज़ाम देंगे। अगर आप एक नॉर्मल तरीके से पढ़ाई करके पेपर देंगे तो मेरा अपना विश्वास है कि पेपर इतना आसान हो रहा है कि लगभग 60% नंबर तो आपको आसानी से ऐसे ही मिल जा रहे हैं। आपको जैसा मैंने अपना पुराना वीडियो बताया था, अगर आपने नहीं देखा है तो अपने मेरे पुराना वीडियो जो ऊपर आई बॉक्स है वहाँ देख लीजिए, आपको बहुत सारे ऐसे चीज़ें मिल जाएंगी जहाँ से आप आसानी से बहुत अच्छे नंबर पा सकते हैं, फिर भी नकल करने की जरूरत आपको महसूस हो रही है। तो दोस्तों, अगेन हम आगे बढ़ते हैं। इसमें ये भी कहा गया है कि स्पेशली देखिए इन चीज़ें मैंने हाईलाइट कर रखा है कि उक्त प्रकरण को विश्वविद्यालय द्वारा अत्यंत गंभीरता से लेते हुए विचार उत्पन्न यह निर्णय लिया गया है कि संलग्न सूची में अंकित छात्र छात्राओं के विरुद्ध UFM के निर्णयों के अंतर्गत दंडात्मक कार्रवाई करते हुए, यानी यहां पर इन लोगों को एक स्ट्रिक्ट पेनल्टी मिल चुकी है, संबंधित विषयों के परीक्षा परिणाम शून्य घोषित कर दिया जाएगा। यानी अब ये जो स्टूडेंट ने जो पेपर दे रखा है जिसमें ये लोग UFM पकड़े गए हैं, उनका परीक्षा परिणाम जीरो होगा, यानी वो उस सब्जेक्ट में जीरो मार्क्स पाएंगे, उनका बैक लग गया है, अब वो अगली बार बैक पेपर भरेंगे। दोस्तों, एक तो आपने देखा कि मतलब कुल मिला के यूनिवर्सिटी एक तरह से एक सख्त रवैया अपना चुकी है। इसके अलावा इसमें एक इम्पॉर्टेंट बात और भी लिखी गई है कि इसमें यह भी कहा गया है, प्रकरण में विभिन्न तथ्यों एवं तकनीकी साक्ष्यों के आधार पर अग्रेसर रूप में विश्वविद्यालय स्तर से जांच की जा रही है तथा इसमें संलिप्त पाए जाने वाले छात्र छात्राओं के विरुद्ध कठोर अनुशासनात्मक कार्रवाई भी की जाएगी। यानी अभी केवल, दोस्तों जैसा कि आपने नीचे देखा इसमें यह भी लिखा है कि यूनिवर्सिटी सिर्फ आपके उस परीक्षा को जीरो नहीं करेगी बल्कि आगे भी अपने टेक्निकल डिटेल्स को लेते हुए बाद में भी आपको एक एक, एक अनुशासनात्मक कार्रवाई कर सकती है। यूनिवर्सिटी चाहती है कि जो पेपर दिए जा रहे हैं वो पूरी स्वच्छता के साथ दिए जाएं, पूरे डेकोरम के साथ में दिए जाएं। इसलिए आप सभी से रिक्वेस्ट है कि जो भी आगामी आपकी परीक्षाएं हैं उसको पूरी ईमानदारी से दीजिए, क्योंकि परीक्षा में ईमानदारी से पेपर दे करके आपके पास खुद एक कॉन्फिडेंस होगा, पहली चीज़। नंबर दो, इस तरह से निकल करके जो आप नंबर लेकर के आएंगे उससे आप मार्कशीट तो अच्छी बना सकते हैं आप अपनी, लेकिन कल की डेट में जब आप नौकरी करने के लिए जाएंगे, जब इंटरव्यू देने के लिए जाएंगे, तो आपके पास वो ज्ञान नहीं होगा। तो आई होप दोस्तों ये वीडियो आपके लिए यूजफुल होगा। वीडियो को जरूर लाइक करें, शेयर करें दोस्तों के पास ताकि उनको भी जानकारी मिल सके किस तरह से यूनिवर्सिटी सीरियस है इस चीज़ों को लेकर के, और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू।